बहुत टॉर्चर हो रही हूँ। मुझे धमकियाँ मिल रही है कि अगर मैंने खामोश नहीं रही तो मेरे सारे वीडियो वायरल हो जाएंगे। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है ड्रामा क्वीन राखी सावंत को लेकर। बता दें कि राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में है और इस बीच राखी सावंत की जिंदगी पर अब खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुरानी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आदिल के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अब राखी सावंत मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि उन्हें जानलेवा धमकियां मिल रही हैं, उन्हें खामोश रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि राखी सावंत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो है इसमें वो लगातार कहते हुए नजर आ रही हैं, मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, धमकियां मिल रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर खामोश नहीं हुई तो सारे वीडियो वायरल हो जाएंगे। अचानक पता चला कि मेरे पति आदिल के एडवोकेट यहाँ पेश हुए और तब मैं वहाँ से जल्दी भाग कर आई, मेरे एडवोकेट भी आए, पुलिस भी आई, सब कुछ तो सोमवार को बोला गया था और आज अचानक कैसे हो गया। राखी का ये रिएक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग है। राखी इससे पहले भी कई बार कह चुकी है कि उन्हें जानलेवा धमकियां मिल रही है, क्योंकि अब वो आदिल दुर्रानी की असली हकीकत मीडिया के सामने ला रही है। तो क्या अब ये इस बात की ओर इशारा राखी कर रही है कि ये जानलेवा धमकियां उन्हें उनके पति आदिल दुर्रानी की तरफ से दी जा रही है। इन्हें लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, मुझे धमकियां मिल रही है कि अगर मैंने खामोश नहीं रही तो मेरे सारे वीडियो वायरल हो जाएंगे। और अभी सडनली पता चला कि उनका आदिल मेरे हस्बैंड आदिल का जो एडवोकेट यहाँ पे पेश हुआ है कोर्ट में, मैं जल्दी से भाग के आई, मेरी एडवोकेट भी सब लोग जल्दी से भाग के आए, पुलिस भाग के आई, क्योंकि अरे मंडे को तो बोला गया था तो अभी ऐसा कैसे हुआ, सडनली सब क्या हो गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेरी एडवोकेट और सरकारी वकील उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है और अभी मंडे ट्यूजडे को गया। अभी